गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई होप यू हैव कम्प्लीटेड लेसन 11। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन 12, दीपो उत्सव मीन्स दीपावली। इसका यहाँ संधि विच्छेद होगा, दीपा प्लस उत्सव, दीपों का त्यौहार। इनका हिंदी मीनिंग देखें, पैराग्राफ 1, भारतम पर्वानाम देश, यहाँ से लेकर सर्वेशा आनंदम मानयन्ति। यहाँ पर संधि विच्छेद वाले शब्द हैं स आनंदम, स प्लस आनंदम, फर्स्ट पैराग्राफ में एक ही है। पैराग्राफ 1, हिंदी मीनिंग, भारत उत्सवों का देश है, उत्सव पसंद करने वाले ही भारतीय हैं। उत्सव लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद का संचार करती हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है, सभी उत्सवों में श्रेष्ठ है या के ऊपर है। शरद ऋतु के इस त्यौहार को सभी खुशी से मनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्राचीना रामायणी कथा, यहाँ से लेकर पर्व हर्षोल्लासेन मानयन्ते। यहाँ पर संधि विच्छेद वाले शब्द हैं प्रत्यागत, इसका हो जाएगा प्रति प्लस आगत। नेक्स्ट है हर्षोल्लासेन, हर्ष प्लस उल्लासेन, विसर्ग लगेगा हर्ष में। ओके, प्राचीन रामायण की कथा है, जब दशरथ पुत्र राम 14 वर्षों के वनवास के बाद पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए, अयोध्या वासी बहुत खुश हुए। प्रियजनों के स्वागत के लिए वे रात में घी के दिए जलाए, संपूर्ण राज्य में खुशी का माहौल हुआ। उस समय से शुरू करके आज तक यह उत्सव या त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है, या हर्ष के साथ खुशी के साथ मनाया जाता है। पैराग्राफ 3, अयम उत्सव विजयदशमीता, यहाँ से लेकर विपनिषु सर्वत्र प्रमुदिता जन संकुल दृश्यते। यहाँ संधि विच्छेद वाले शब्द हैं पूर्वम एव, पूर्वम प्लस एव, पुष्पमाला भी विसर्ग लगेगा। ये जो आधा तालव्य स है वो क्या होता है, अलग करते समय वो विसर्ग में बदल जाता है ना, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पुष्पमाला भी प्लस च, यह उत्सव विजयदशमी से 20 दिनों के बाद कार्तिक महीने के अमावस्या को आता है। वर्षा काल के बाद आकाश निर्मल या स्वच्छ, खेत धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। यह समृद्धि का समय है। उत्सव दिन के पहले से ही लोग घरों को साफ करते हैं, चित्रों और फूल मालाओं से सजाते हैं। दिवाली के पहले सभी लोग अपने अपने घरों को क्या करते हैं, सजाते हैं, है ना। वे नए वस्त्र धारण करते हैं, विशेष रूप से बच्चे बहुत खुश हैं। इस समय दुकानों या बाजारों की सुंदरता भी देखने योग्य होती है। प्रश्न मुख वाले लोग खुशी से विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं।
मिठाई की दुकानों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, बर्फी, जलेबियों, लड्डुओं से सुशोभित होती हैं। बाजारों में सभी जगह खुश होती हुई लोगों की भीड़ दिखाई देती है। पैराग्राफ 4। रात्रौ जना विद्युक्त दीपय, यहाँ से लेकर अनुपमम च अस्ति, संधि विच्छेद शब्द हैं विद्युक्त दीपय, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्युक्त प्लस दीपय। अत्याकर्षम, अति जोड़ आकर्षकम, रात में लोग बिजली के बल्बों, तेल के दीयों से और मोमबत्तियों से घरों को रोशनी करते हैं। आप लोग भी जलाते हैं ना दीपावली में। जब हर घर और हर भवन दीयों से प्रज्वलित होते हैं तब दृश्य बहुत ही आकर्षक और अनुपम होता है। पैराग्राफ 6। दीपोत्सवे जना, यहाँ से लेकर प्रदूषणेन प्रभाविता, संधि विच्छेद शब्द हैं स्वयं अपि, स्वयं प्लस अपि, दीपोत्सवे दीपा प्लस उत्सवे। दीपावली में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वे भाई बंधुओं को मिठाइयाँ बांटते हैं, स्वयं भी स्वादिष्ट भोजन खाते हैं या करते हैं। खुशी से बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन आजकल यहाँ संयम और विवेक का आचरण करना चाहिए, क्योंकि पटाखे वातावरण को जहरीले धुएं से प्रदूषित करते हैं। इससे कई लोग विशेषकर बच्चे और बूढ़े बीमार हो जाते हैं। वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी ही वायु प्रदूषण से प्रभावित होती है। नेक्स्ट 6 पैराग्राफ। अपि च स्फोटकानां निर्माणे, यहाँ से लेकर विस्फोटकान वर्जयेत, और फटाकों के निर्माण में प्रायः बाल श्रमिक मतलब बच्चों से काम लिया जाता है, बाल श्रमिक भी नियुक्त होते हैं। बचपन में विषैले पदार्थों से उनके स्वास्थ्य की हानि होती है, कभी कभी मृत्यु भी होती है। यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए पटाखों को त्याग देना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ। दीपावली ही आनंद से उत्सव, यहाँ से लेकर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यहाँ पर संधि विच्छेद वाले शब्द नहीं है। दीपावली आनंद या खुशी का उत्सव या त्यौहार है। लोगों के जीवन में खुशियाँ बांटें। यह दीपों की माला अज्ञान के अंधकार को नष्ट करें। सुख समृद्धि का प्रकाश चारों ओर फैलाएं। सभी की अच्छी स्थितियां हों, अर्थात सभी कल्याण को देखें, अर्थात सबका भला हो। थैंक यू।